वेलकम बच्चों, अभी जब आप लोगों ने वेक्टर सबट्रैक्शन पढ़ा था, और वेक्टर सबट्रैक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अट्रैक्टिव एग्जांपल रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है। तो आइए दोनों केसेस को हम लोग जाने समझें। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा फिगर में हल्का सा कन्फ्यूजन रहता है, आपको क्लियर किया जाए। ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी आप कहेंगे कि सर आपने ऐसे कैसे बना लिया, आप तो अभी तक ऐसे बनाते थे एकदम, लेकिन यहां पर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए ऐसा कर लिया मैंने। और ये जो है ऊपर से, उसमें यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो नॉर्थ अंदर की तरफ, साउथ बाहर की तरफ, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ये है आपका। और यहां पर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन दी गई है। वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज वर्टिकल। सपोज द वेलोसिटी ऑफ रेन इज वर्टिकल, आप खड़े हैं कहीं पर, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन इज वी आर फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन। अगर आप अब दौड़ना शुरू कर दें, अगर हम दौड़ना शुरू कर दें, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैन अलोंग ईस्ट। किस वेलोसिटी से? VM velocity दौड़ना शुरू कर दिया। तो what is the velocity along which the umbrella inclined? अब umbrella किधर inclined करना पड़ेगा कि वो बरसात से बच सके। तो ध्यान देंगे सवाल पे। Velocity of rain दी गई है, the case number one, the velocity of rain we are इन वर्टिकल इफ इफ मैन रन्स या रनिंग विथ वेलोसिटी VM along east, then to determine direction of umbrella as below, umbrella की डायरेक्शन में निकालना है। तो umbrella किधर होगा? जिधर हमको velocity दिखेगी। किधर दिखेगी? तो man के रिस्पेक्ट में हमको velocity of rain निकालनी है। velocity of rain पता थी, velocity of man पता थी, relative velocity of rain with respect to man निकालना है। तो आइए फिगर समझें। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हटाना है कुल मिलाके, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वी आर माइनस वी एम। तो फिगर में वी आर माइनस वी एम कहां बनेगा? फिगर में वी आर माइनस, एक ही पॉइंट से दोनों बना लिए, अगर पैरेललोग्राम आता तो जुड़ता, घटाना है वी आर में से वी एम, तो बताया था मैंने घटाने के लिए, सीधे मिला दीजिए इसको। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा, और यही तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी। तो अम्ब्रेला किधर लगाना पड़ेगा? तो अम्ब्रेला आपको अगर वर्टिकल से देखा जाए तो सामने की तरफ लगाना पड़ेगा, सामने मतलब अलोंग ईस्ट लगाना पड़ेगा। मान लो ये एंगल अल्फा है, तो यही एंगल अल्फा निकालना है मुझको। चलिए, इफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वी आर एम मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वर्टिकल, देन अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स
अब किसके साथ लिया है एंगल? अल्फा किसके साथ लिए हैं? अल्फा रेन के साथ लिए हैं, वर्टिकल के साथ लिए हैं, रेन के साथ लिए हैं, तो जिसके साथ लेते हैं उसको छोड़ देते हैं, दूसरा वाला दैट इज वीएम साइन 90, क्यों 90? क्योंकि ईस्ट और वर्टिकल बीच एंगल 90 डिग्री, अपॉन वीआर माइनस वीएम कॉस 90। ये वही किया है जो उधर पहले रिलेटिव वेलोसिटी बताया था आपको मैंने। तो अल्फा क्या आ जाएगा? दैट इज टेन इनवर्स वीएम बाई वीआर, किधर से किधर? तो फ्रॉम वर्टिकल टू ईस्ट, या इसको लिखेंगे आप ईस्ट ऑफ वर्टिकल। ऐसे ये पहला केस होगा कि जिसमें मैंने अम्ब्रेला की डायरेक्शन निकालनी है, और अम्ब्रेला की डायरेक्शन पूछी गई का मतलब क्या हुआ कि मैं रन कर रहा है और अम्ब्रेला की डायरेक्शन पूछी जा रही, माने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अम्ब्रेला पूछा जा रहा है, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो वही तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन होगी। इस तरीके से इनडायरेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसी का सेकेंड केस समझाएं, वो कैसे आता है, केस नंबर टू। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां फिर वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वर्टिकल, और अब की वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दिया गया वर्टिकल, मतलब वी आर एन दिया गया है। कब? मैन चल रहा है और वहां पर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दी हुई है, वर्टिकल दी हुई है संजोग से, और मैन किधर चल रहा है? मैन चल रहा है अलोंग ईस्ट। अब पूछा जा रहा है बताइए व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब रेन की वेलोसिटी नहीं दी गई थी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ था। क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पकड़िए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया था, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया था, और अब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है। चलिए, इफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वी आर एम इन वर्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ मैन वीएम अलोंग ईस्ट, देन टू डिटरमाइन एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर एज बिलो। कैसे डिटरमाइन करेंगे देखो जरा, क्योंकि हम जानते हैं कि वी आर एम जो होता है वी आर माइनस वी एम होता है, तो इसलिए वी आर कितना हो जाएगा जो हमको निकालना है, वी आर कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दैट इज वी आर एम प्लस वी एम, दोनों को ऐड करना है आपकी बार, तो ऐड करने के लिए आपकी दोनों ऐड करना है, किसको उसको ऐड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और मैन को ऐड करना है, मैन की वेलोसिटी को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखिए क्या लगा दिया मैंने, पैरेललोग्राम लगा दिया, ऐड तभी तो होगा, और ये जो कॉमन आपका वेक्टर आता है दैट इज वी आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वर्टिकल, सो दैट वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर एम स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर एंड द एंगल अल्फा मेक्स एक्चुअल वेलोसिटी वी आर विथ वर्टिकल, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स
Vm साइन 90 जिसे एंगल नहीं लिया जाता है अपॉन Vrm माइनस प्लस, क्योंकि ऐड हो रहा आपकी बार, Vrm प्लस Vm cos 90, cos 90 जीरो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स Vm बाई Vrm, ये आपका डायरेक्शन का फॉर्मूला। तो मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कितना और किधर, ये दोनों बातें आप लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों बातें यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको दिमाग में आ गई होगी पूरी बात कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन भी आप यहां से निकाल सकते हैं, और यहां से आप जो है वो ये भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो चलिए, बहुत से लोगों को ये बात ध्यान आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया था, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया था, और हमने एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन निकाली, और फार्मूले में आपने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी में वी आर माइनस वी एम किया जाता है, तो वी आर निकालने के लिए वी आर एम प्लस वी एम करना पड़ेगा। और दोनों फिगर पे आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इस पर बड़े अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पर हम लोग आपसे बात करेंगे।